Hello students, now we are going to see the next question, that is effects of solid waste pollution. Now यहाँ पे हम लोग को दो effects देखने हैं कि जो solid waste होता है उसके वजह से environment के ऊपर क्या effect होता है और human health के ऊपर क्या effect हो सकता है. So we'll begin with first one, solid waste and health hazard, मतलब इंसान के health के ऊपर उसका क्या क्या effect होता है solid waste का. Now जिसमें पहले है health hazard due to household waste. Now household waste क्या होता है, हम लोग ने पहले वीडियो के अंदर देखा हुआ है कि घर के अंदर से जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाउस होल्ड वेस्ट. ना उसकी वजह से हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं. द वेस्ट पार्ट ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स स्पॉइल्ड कुक्ड फूड एक्सेट्रा लाइंग आउटसाइड अट्रैक्ट द फ्लाइज रैट्स एंड अदर क्रीचर्स दैट इन टर्न स्प्रेड द डिसीजेस. का मतलब होता है कि जो भी सब्जियां वगैरह जो होती है, फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं या मचा कुचा जो खाना होता है वो बाहर गिरे रहने की वजह से वो सड़ जाता है और उसके वजह से जो मच्छर वगैरह जो होते हैं, चूहे वगैरह जो होते हैं वो आ जाते हैं और उसकी वजह से काफी सारी बीमारियां जो होती है वो स्प्रेड होती है. द डीकम्पोज्ड वेस्ट रिलीजेस अ बैड ऑडियर एंड इट लीड्स टू अनहाइजेनिक कंडीशन एंड दैट इज वाई देर इज इंक्रीज इन द हेल्थ हजार्ड. मतलब जो ये डीकम्पोज्ड वेस्ट जो पड़ा रहता है ऐसे, उसकी वजह से गंदी स्मेल आ जाती है और उसकी वजह से एक अनहाइजेनिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है जो हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. सेकेंड है हेल्थ हजार ड्यू टू हॉस्पिटल वेस्ट. ना हॉस्पिटल वेस्ट हम लोग ने देखा कि जिसके अंदर सीरिंज बैंडेज वगैरह जो होती है, बेडशीट्स वगैरह जो होती है, इसकी वजह से क्या हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होता है. द इनडिस्पोज्ड हॉस्पिटल वेस्ट ऑफर अ फर्टाइल ब्रीडिंग ग्राउंड टू द माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग डिजीजेस लाइक कॉलेरा, HIV, हेपेटाइटिस बी, ब्रेन इन्फेक्शन एंड सेवरल स्किन एंड बॉडी एलर्जीज. सो ये सारा जो हॉस्पिटल वेस्ट होता है उसको हम लोग प्रॉपर डिस्पोज नहीं करने की वजह से उसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो जो होते हैं वो अलग अलग ये जो बीमारियां मैंने आपको बताई वो सारे स्प्रेड करते हैं और ये काफी हजार्डस भी होते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज हेल्थ हजार्ड ड्यू टू एग्रीकल्चर वेस्ट. कि एग्रीकल्चर वेस्ट के अंदर हम लोग ने देखा कि क्रॉप के बचे कुछ जो हिस्से होते हैं या फिर रूट्स वगैरह जो होते हैं या पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, वीडिसाइड्स वगैरह जो होते हैं या फर्टिलाइजर्स वगैरह जो होते हैं उसकी वजह से क्या क्या हेल्थ हजार्ड होते हैं. द रेसिड्यूज इन द एग्रीकल्चर एरिया आफ्टर हार्वेस्टिंग क्रॉप लाइक पील्स ऑफ ग्राउंडनट्स, द वेस्ट मैटर ऑफ द कोकोनट एक्सेट्रा गेट डिकेड एंड डीकम्पोज एंड रिजल्टिंग टू डिजीजेस. मतलब